तो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम झटपट तैयार होने जाने वाली रेसिपी बना रहे हैं। सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज, दो टमाटर और छोटे चार पांच मिर्च के टुकड़े, पांच ब्रेड लिए हैं। थोड़ा सा हमने धनिया को काट कर पहले से रखा हुआ है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस पर तवा चढ़ा दिया है और जो हमने ब्रेड लिया था उसे हम मीडियम आँच पर सेक लेंगे। मीडियम आंच पर दो तीन मिनट हम पलट उलट कर सेकते रहेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड हमारे सिक रहे हैं। ब्रेड सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये जो नाश्ता बनाने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। अब हम ब्रेड को कटिंग कर लेते हैं। एक ब्रेड को हम चार पार्ट में कटिंग करेंगे। ब्रेड की हमने कटिंग कर ली है। सारे ब्रेडों को हम ऐसे ही काट लेते हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं। एक मीडियम साइज के तेल डाला हुआ है। एक चम्मच हम जीरा डाल देते हैं। कुछ कड़ी पत्ते डाल देते हैं, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा जाता है। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे तेल में। कटी हुई प्याज हम डाल देते हैं। इसे मिक्स करके कटी हुई मिर्च को हम डाल देते हैं। ये ब्राउन होने तक हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज पक चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। एक चम्मच हम धनिया डाल देते हैं। एक चम्मच चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाला से बहुत अच्छा स्वाद इसका आता है। मसाला पकाने के बाद में हम कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। एक चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। टमाटर को हम अच्छी तरह से एक मिनट बढ़िया सा पका लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर पक चुका है। जो हमने ब्रेड की कटिंग करके रखी थी, अब इन ब्रेड को हम डाल देते हैं कढ़ाई में। अच्छे से चलाकर तीन मिनट तक हम इसको पका लेते हैं। आप देख सकते हैं तीन मिनट बाद हमारा ये नाश्ता कैसा बढ़िया लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें धनिया डाल देते हैं। दोस्तों, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।